हेलो स्टूडेंट, आपका पिछले लेक्चर में मैंने पोलराइजेशन ऑफ आयन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो पोलराइजेशन ऑफ आयन्स में अगर मैं बात कर रहा था, तो पोलराइजेशन ऑफ आयन्स में जो मैंने आपको एक खास बात बताया था, जहां से आप लोग मिसकन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई जो है आप पोलराइजेशन ऑफ आयन को आप कैसे समझेंगे या पोलराइजेशन को कैसे समझेंगे, तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताया बेटा कि पोलराइजेशन पावर जो होता है हम कैटायंस के लिए यूज करेंगे और पोलराइजेशन वर्ड ओनली फॉर एनायन के लिए यूज करेंगे। तो ये एक बात मैंने स्ट्रिक्टली आपको समझा दिया था। इसमें थोड़ा सा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पोलराइजेशन पूछ रहा है या पोलराइजेशन पावर पूछ रहा है। तो अगर उसने पोलराइजेशन पावर पूछा हुआ है तो सीधे आप कैटायन की तरफ सोचना शुरू कर देंगे, और लेकिन अगर उसने पोलराइजेशन पूछा है तो हमें एनायन की तरफ सोचना शुरू करना है। दूसरी बात कि फैजान रूल, अगर हम फैजान रूल की बात करें या पोलराइजेशन ऑफ आयन की बात करें, तो जो हमारा जो टारगेट होगा कि हमें किसी कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर को सर्च करना है, यानी आयनी को नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे जेई में चाहे नीट में, जैसे पूछे जाते हैं मैं उस पर एनालिसिस करूंगा, ठीक है ना बेटा जी। तो बच्चों, तो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था उसको हम बात करें। तो बेटा जी, पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो मैं बात कर रहा था, तो मैंने लिखा कि भाई जो मैंने बात की पोलराइजेशन पावर, और इसके लिए मैंने शॉर्टकट वर्ड यूज किया, दिस वन अ पीपी पोलराइजेशन पावर, ये मैंने वर्ड यूज किया, है ना। तो इसके बाद इसका मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया भी था, मेरे को याद पड़ रहा है कि पोलराइजेशन पावर इनवर्स साइज ऑफ कैटायन। तो एक बात बच्चों फिर से मैं बोलना चाहूंगा, ये फॉर्मूला तो हमने यूज किया ही था, ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखाए थे। तो एक बात मैं जरूर फिर से लिखवाना चाहूंगा, वो ये कि अगर एग्जामिनेशन पोलराइजेशन पावर की बात कह रहा है, राइट, अगर उसने पोलराइजेशन पावर की बात कही हुई है क्वेश्चन में, तो हमने सोचना शुरू कर देना है कैटायन के बारे में, राइट। लेकिन अगर एग्जामिनर ने सिर्फ पोलराइजेशन की बात कह रहा है, राइट, तो पोलराइजेशन की बात कह रहा है तो हमने सोचना शुरू करना है एनायन के बारे में। एक बात तो यह हो गया। अच्छा, अगर मेरे को कोवेलेंट कैरेक्टर सर्च करना है ना, जैसा कि मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं बार बार, तो जो हमें ढूंढना है उसकी अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को कोवेलेंट कैरेक्टर सर्च करना है, राइट, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सर्च करने के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सर्च करने के लिए इसका मतलब एनायन तो होना चाहिए, जो एनायन होना चाहिए लार्ज, राइट, लार्ज होना चाहिए, और कैटायन क्या होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए स्मॉल, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जो पोलराइजेशन पावर के लिए मैंने लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, इनवर्स लिखा है साइज ऑफ कैटायन, राइट। और अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूंगा, है ना, अगर मैं पोलराइजेशन की बात कहूंगा तो वहां पर लिखूंगा डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, राइट। तो ये चीजें आप बहुत कायदे से लिखने के बाद बॉक्स में डालेंगे, है ना, बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेशन को एक ही चीज समझते हैं, वो आपका गलत है, ठीक, नोट करो। लिखा बेटा। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा। देखो बच्चों, बेटा मेरी बात सुनो, अगर मैंने कह रखा है कि सोडियम प्लस है,
मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव है और एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव है। एक बात मेरे को बताओ, इन तीनों की अगर मैं बात करता हूं, ये तीनों के तीनों क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है कि नहीं? बिल्कुल आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अगर मैं इस केस में ये बात करता हूं मेरे को साइज या रेडियाई चाहिए, अगर इस केस में रेडियाई या साइज चाहिए, तो सबसे अब जानते हो कि भाई इधर से इधर चलने पर जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा रेडियाई साइज कम होगी। तो अगर मैं रेडियाई या साइज की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा रेडियाई कौन रखने वाला है? सोडियम प्लस, फिर इसके बाद मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव और इसके बाद एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव, राइट। जिसके रेडियाई साइज ज्यादा होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सोडियम प्लस का, राइट। इसके बाद एमजी डाइपॉजिटिव का और इसके बाद एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव का, राइट। अब अगर मैं ढूंढना चाहूं कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है इसका आयनिक का जस्ट उल्टा होता है। मैं फिर से लिख दूं कि आयनिक कैरेक्टर इनवर्स जो होता है वो होता है मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां मेरे को मिलने वाला है? एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव, फिर आपका एमजी डाइपॉजिटिव, हाँ, और फिर आपका एनए प्लस। नोट करो, लिखा बच्चों? अच्छा, एक बात और देखो कि आयनिक कैरेक्टर जहां भी होगा ये होगा वाटर सॉल्युबल। क्या होगा? वाटर सॉल्युबल, पक्का है ना। और कोवेलेंट कैरेक्टर उल्टा, यानी वाटर इनसॉल्युबल होगा। तो अगर मैंने ये कह रखा है कि मेरे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ये है साहब, है ना, अगर मैंने कहा कि क्वेश्चन में ये कह रखा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में है और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है, तो ये आसानी से वाटर सॉल्युबल होगा। यानी कि सोडियम जो है ये आसानी से क्या होगा? ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया जाए एल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव ले रखा है, या मैं ये कह सकता हूं कि AlCl3 कह रहा हूं, राइट, ठीक है। तो AlCl3 के बारे में ये हुआ कि ये कंपाउंड जो है कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है ये? कोवेलेंट कंपाउंड है, क्लियर, कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब मैं साफ साफ लिख रहा हूं कि पानी में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है फिर भी वाटर सॉल्युबल है, ऐसा क्यों? कोवेलेंट कंपाउंड होने के साथ साथ ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, ऐसा क्यों? अब देखो बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या पढ़ाया है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या कहता है? कि ये होता है चार्ज अपॉन रेडियाई। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि HE का मतलब होगा हाइड्रेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, राइट। तो क्या एल्युमिनियम के पास चार्जेस ज्यादा है? बिल्कुल है। तो जितना ज्यादा चार्जेस होगा उसमें उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा वाटर में सॉल्युबिलिटी होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर सॉल्युबल के लिए। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इज दैट क्लियर? नोट करिए।
नोट किया बच्चों? नोट किया बेटा? अब देखो बच्चों, इधर देखो कि अगर मैं, हाँ अगर मैं ये कहता हूं, एक पॉइंट और आगे डिस्कस करेंगे और स्टार बनाएंगे, अक्सर एग्जाम में आता है और आप लोग गलत करके आते हैं। देखो बेटा कि जो पोलराइजेशन पावर है ना, दो पोलराइजेशन पावर जो है, जिसको मैं शॉर्टकट में पीपी लिख रहा हूं, ये किसके लिए है? कैटायन है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में 18 इलेक्ट्रॉन दे रखा है और 8 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो जो पोलराइजेशन पावर होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, 18 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा, पहले इतना नोट करो। और रीजन क्या होगा यहां पर? रीजन होगा जेड इफेक्टिव। क्या होगा? जेड इफेक्टिव। तो थोड़ा सा मेरी बात सुन, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन का मामला है, जहां भी 18 इलेक्ट्रॉन होगा है ना, उसको बोलते हैं सूडो, सूडो का मतलब झूठा, सूडो है ना, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन या इसी को हम बोलते हैं है ना, सुडो इनर्ट। अलग अलग बुक में अलग लिखा गया है, चीज एक ही है, कॉन्फिग्रेशन, राइट, ये लिखा गया है। ये हमारा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी फैक्टर यानी प्रेफरेंस फर्स्ट, ये इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी फैक्टर या प्रेफरेंस फर्स्ट। और 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी फैक्टर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फैक्टर, राइट। नोट करो बेटा, लिखा। अब अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं बच्चों, तो 18 इलेक्ट्रॉन हमको कहां कहां देखने को मिलता है? अगर मैंने आपसे कहा जेड एंड डाई पॉजिटिव कह दिया है ना, कैडमियम डाई पॉजिटिव कह दिया, या एचजी डाई पॉजिटिव कह दिया, या एजी प्लस कह दिया, या सीयू प्लस कह दिया, इन सब में हमको 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, राइट। अब 8 इलेक्ट्रॉन को बात बताने की जरूरत नहीं, फिर भी है तो मैं बात कर ही देता हूं। 8 इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं, Na प्लस में दिखेगा, हाँ K प्लस में दिखेगा, सब में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे बच्चों, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन दिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, सारे के सारे कैटायन है, मैंने कैटायन के लिए पोलराइजेशन पावर पढ़ भी रहा हूं। तो अगर मैंने क्वेश्चन में एक एग्जांपल इस तरीके से कहा कि बताओ भाई कि पोलराइजेशन पावर है ना, पोलराइजेशन पावर की मैं बात कह रहा हूं, तो पोलराइजेशन पावर CuCl में ज्यादा है NaCl से, पूछा क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि आप जानते हो अगर एक क्लोरीन पर माइनस है तो Cu पर प्लस होगा, एक Cl पर माइनस है तो सोडियम पर प्लस होगा। अगर इसकी बात करते हो तो यहां मिलता है मेरे को 18 इलेक्ट्रॉन, और इसकी बात करते हो तो यहां मेरे को मिलता है 8 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ कि पोलराइजेशन पावर की अगर मैं बात कह रहा हूं
तो ज्यादा कहां होगा, 18 में होगा, 8 में होगा। देखो 18 को मैंने लिखा है प्राइमरी फैक्टर और इसको मैंने लिखा है सेकेंडरी फैक्टर, तो बताओ सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा। चलो एक और ले लेता हूं, एक और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने क्वेश्चन में यह कह रखा है कि पोलराइजेशन पावर, ठीक है, अगर मैंने पोलराइजेशन पावर ले रखा है और मैंने क्वेश्चन में कह रखा है साहब मेरे पास AgCl है और KCl है तो किसमें ज्यादा होगा, तो आप ये कहोगे साहब इसमें ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर Ag प्लस है और यहां K प्लस है, राइट। तो पॉसिबिलिटीज यहां कितनी मिलेगी, 18 इलेक्ट्रॉन मिलेगी और यहां पॉसिबिलिटीज कितनी मिलेगी, 8 इलेक्ट्रॉन की मिलेगी, राइट। तो आप जानते हो इसकी ज्यादा होगी, नोट करो। एक मैं यूनिक केस लेने जा रहा हूं, इसको नोट कर पहले, तो लिखा एक मैं और एग्जाम्पल लेने चल रहा हूं कि उसमें मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि सारे केसेस में 18-18 ही है, हाँ। तो मैंने कहा हुआ क्वेश्चन इस तरीके से कहा हुआ है कि भाई मेरे पास जो है ZnCl2 है और इसके बाद CdCl2 है और इसके बाद HgCl2, राइट। अब यहां पर एक बात थोड़ा ध्यान से देख, यहां पर ध्यान से एक बात देख, इस केस में Zn डाई पॉजिटिव है, इस केस में Cd डाई पॉजिटिव है और इस केस में Hg डाई पॉजिटिव है। ये आपका जो होगा ये 3d सीरीज का एलिमेंट है, ये 4d का है और ये 5d सीरीज का एलिमेंट है, राइट। और इसमें मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे को कोवेलेंट कैरेक्टर सर्च करना है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और रीजन क्या होगा, जेड इफेक्टिव, राइट। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में कहना है कि मेरे को कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना है साहब, या मैं ऐसा कहता हूं कि पोलराइजेशन पावर ढूंढना है, तो पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा कहां होगा, HgCl2, फिर आपका CdCl2 और फिर आपका हो जाएगा ZnCl2, ठीक, नोट कर बेटा। तो ये बातें जो हमने की हुई हैं ये पोलराइजेशन पावर के ऊपर की हुई हैं, ठीक है। अब लिख पोलराइजेशन, लिखा बच्चों, तो पोलराइजेशन के लिए मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ बता रखा है कि पोलराइजेशन के लिए एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो पोलराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये लिखो, पोलराइजेशन टर्म यूज फॉर ओनली एनायंस, लिखो बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोलराइजेशन पावर कैटायन के लिए होता है और पोलराइजेशन जो होता है एनायंस के लिए होता है, ठीक है ना। और आप लोग क्या करते हो, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो पोलराइजेशन आप समझते हो सब कुछ एक ही है, ये ऐसा नहीं है, एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो बेटा, पोलराइजेशन टर्म यूज फॉर एनायन, पोलराइजेशन टर्म यूज फॉर एनायन, है ना, पोलराइजेशन टर्म यूज फॉर एनायन, ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट फॉर कैटायन, नॉट फॉर कैटायन, ठीक। नेक्स्ट लाइन से लिखो, है ना, पोलराइज इन द केस ऑफ एनायन,
इन द केस ऑफ एन आयन पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या बोल रहा हूं मैं कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन, साइज ऑफ एन आयन राइट, मतलब देख बेटा कि अगर मैंने कह रखा एफ एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस राइट, तो अगर मेरे को पोलराइजेशन चाहिए तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कहां होगा, आई माइनस होगा, होगा नहीं होगा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, यानी इसके पास क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर और इसके पास क्या हो जाएगा मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। लिखा फटाफट लिखो, एक और देखो बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया कि एग्जाम्पल ले रहा हूं कि n माइनस थ्री है, o माइनस टू f माइनस, सभी के सभी क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, हैं? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में, एन आयन के केस में क्या लिखवाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर मैंने पूछा कि मेरे को पोलराइजेशन चाहिए तो पोलराइजेशन चाहिए किसमें होगा, जिसका साइज बड़ा होगा, साइज किसका बड़ा होगा, n माइनस थ्री का, तो आप लिख सकते हो n माइनस थ्री, फिर आपका o माइनस टू, फिर आपका f माइनस, इज दैट क्लियर, नोट करो। फिर वही बात कि अगर मैंने कहा, ध्यान सुनना, अगर मैंने कहा कि n माइनस थ्री का कोई कंपाउंड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर फ्लोरीन का कोई कंपाउंड है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, नोट करो बेटा।